हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टार आई क्यू स्टार आई क्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कैसे हैं आप सभी लोग उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे आप सभी को राधे राधे राम राम आशा करता हूं आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे स्वस्थ भी होंगे आप लोग मेरा नाम है सुनील बिश्नोई और आप लोगों को आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट सा कंटेंट देने वाला हूँ क्लास स्पेशली ऑरियंटेड है उनके लिए जिनका परसों एग्जाम है स्पेशली एक्चुअली एक रिविजन टाइप की क्लास है हो सकता है आप लोगों ने बहुत डिटेल से पढ़ लिया होगा पर इस क्लास के अंदर आप लोगों को मैं बहुत कुछ सिखाने और बताने वाला हूँ फटाफट एनसीआर टी छठवीं से लेके बारहवीं के बीच का जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है जो प्रीवियस ईयर पेपरों ने थोड़ा थोड़ा टच किया है उनको मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ बताने वाला हूँ तो आप लोग जल्दी से कनेक्ट हो जाइएगा सीखना स्टार्ट कर दीजिएगा ये सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है सबको राधे राधे अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू नमस्कार क्लास को स्टार्ट करूं उससे पहले थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दिखा देता हूं कि एक्चुअली हम लोग इस क्लास के अंदर पढ़ने क्या वाले हैं ठीक है ना इस क्लास के अंदर हम लोग जो है ना कई सारी चीजों को पढ़ेंगे दो टाइप के फॉर्मेट है जो मैंने डिजाइन किए हैं जो आप लोगों को पढ़ाना होगा इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर ठीक है पहला जो फॉर्मेट हमारा इस क्लास के अंदर होने वाला है वो फॉर्मेट तो है हमारा आ, ये वाला ठीक है ये वाला मतलब सर ये वाला फॉर्मेट है जिसके अंदर आप लोगों को जो है ना वो क्वेश्चन मिलने वाले हैं इस टाइप से वन लाइनर टाइप से जो है ना आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं जिसके अंदर आपके सारे क्वेश्चन जो है ना वन लाइनर टाइप के होंगे एक एक लाइन के आपके क्वेश्चन जो है ना इसके अंदर होने वाले हैं सबसे पहला तो इंपॉर्टेंट आपका यही पार्ट है इसके अंदर ठीक है दूसरी बात हमारी इसके अंदर जो है वो क्या रहेगी सेकंड हाँ तो दूसरी बात क्या है इसके अंदर देखो इस टाइप से आपका जो है ना एक एक लाइन के क्वेश्चन बने हुए फिजिक्स है केमिस्ट्री है और इसके अंदर आपका जो है ना बायोलॉजी है तीनों सब्जेक्टों को मैंने जो है ना कवर किया है इसके अंदर पर्टिकुलर एक तो फॉर्मेट आप लोगों को ये सिखाना है या ये बताना है दूसरा फॉर्मेट जो है ना इसके अंदर आपका वो कौन सा है सेकेंड फॉर्मेट है आपका ये वाला

जो जो इंपॉर्टेंट कंटेंट तैयार किया हुआ है वो सारा ही आप लोगों को जो है ना वो डिलीवर करने वाला हूँ याद रखिएगा ठीक है ना सारा कंटेंट जो है ना वो डिलीवर मिल आ, कर दूंगा तो पहली एक तो चीज़ ये है आपका इस टाइप से क्वेश्चन आंसर वाला फॉर्मेट है आपका ठीक है ना तो ये पूरा हम लोग सेट पढ़ेंगे और पहले ये 20-30 पेज है आपके इस टाइप से जो इंपॉर्टेंट है डेटा आपके वो कवर करेंगे हम लोग ठीक है सो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग पढ़ना और सीखना अब बिना किसी देरी के हम लोग इसको पढ़ लेते हैं कोई देरी नहीं करनी है हमें ना ही हमें किसी का इंतजार करना है जो आना था क्लास में वो आ गया है ठीक है ना सर हिंदी में करवा देना आ, हिंदी में ही पढ़ाऊंगा ठीक है ना इंग्लिश तो मेरे को आती नहीं है ठीक है ना इंग्लिश में नहीं पढ़ाऊंगा मैं हिंदी में पढ़ाऊंगा हाँ अच्छा लिखा हुआ इंग्लिश में है क्या कितना मैनेज करना पड़ेगा ठीक है ना जो कंटेंट है मेरे पास में वही रहेगा अभी ट्रांसलेट तो एकदम नहीं कर सकता हाँ समझा अच्छे से दूंगा वो टेंशन बिल्कुल ना लेना हाँ आप लोग ठीक है सो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग पढ़ने वाले एक्चुअली पता क्या चीज़ है आ, तुम लोग ना वो है कि हिंदी देख लिया तो डर जाओगे केवल हिंदी में रहता तो तुम कहते सर इंग्लिश दो इंग्लिश दो इंग्लिश होता तो कहते हिंदी दो समझना आया भाई साहब तुम्हें समझाने से मतलब टीचर आपके आगे खड़ा ही क्यों है फिर समझाने के लिए ना तो बिल्कुल टेंशन ना लो आप लोग बस समझो दस पंद्रह मिनट के बाद में अगर नहीं समझ में आए तो क्लास बंद कर देना ठीक है ना समझ में आए तो कंटिन्यू रख लेना है ना चलिए फंडामेंटल यूनिट्स की बात करते हैं सबसे पहले एक फिजिक्स का चैप्टर है जिसका नाम है मेजरमेंट है आपका फंडामेंटल यूनिट है सबसे पहले बहुत इजी वाला सेक्शन है इसमें सारे आपको देखो मैंने इनको सबको पढ़ा है मैंने आपको एक दिन किताब रिकमेंड की थी ठीक है ना अभी तो खैर वक्त नहीं है उस किताबों को पढ़ आपके पास में लेके आओ करो लेकिन उसमें से बस समरी आपको मैं बता रहा हूँ ये ठीक है तो देखिएगा यूनिट है आपके पास में एक लेंथ है एक मास है टाइम है इलेक्ट्रिक करंट है टेम्परेचर है अमाउंट ऑफ सबस्टांस है लिमिनस इंटेंसिटी है ये बहुत बेसिक और आपकी फिजिकल क्वांटिटी हुआ करती है लेकिन आपको सिर्फ यहां पे एक याद करना है बाकी तो आपको याद है भी नहीं भी याद है तो भी कोई ज्यादा दिक्कत परेशानी वाली बात है नहीं क्या याद रखना है मैंने ऑलरेडी यहां पे मार्क कर रखा है यह सिर्फ एक याद रखना है जो एग्जाम के परस्पेक्टिव थोड़ी इंपॉर्टेंट है बस एक यूनिट ये याद कर लेना है आप लोगों को क्या कि लुमेनिस इंटेंसिटी जो होता है ना इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है चमक प्रकाश की कितनी चमक है ठीक है ना तो उस चमक की यूनिट की बात करो ऐसा यूनिट क्या होती है कैंडेला होती है जिसका सिंबल क्या होता है सी होता है बस याद रख लेना आप लोग बाकी आप लोगों को पता ही है जो लेंथ है वो मीटर होती है मास है किलोग्राम टाइम सेकंड है इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर है टेम्परेचर कैलविन होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल होता है कोई ज्यादा परेशानी वाली बात है भी नहीं इजीली आप लोग इनको कैप्चर कर, कर लेने वाले हैं अगली बात वट इज द यूनिट ऑफ प्लैंक्स कॉन्स्टेंट प्लैंक्स ने एक एक वैज्ञानिक थे उन्होंने एक्चुअली ये कहा था कि जो लाइट आती है ना वो इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स आती है प्लैंक्स की थ्योरी में बस एक यूनिक चीज थी वो यही थी कि लाइट आती है वो फोटोन फोनोन में तो आती है लेकिन वो सारे पैकेट्स बन बन के आते हैं हालांकि एक न्यूटन ने 32 पेजों की किताब दी थी 1932 के दौरान ठीक है लेकिन जो किताब थी वो तो चलो ठीक है ये आपकी उनकी पब्लिश हुई थी बाद में आई थी वो उन्हीं की थ्योरी पे आधार पे थी वो किताब उन्होंने कहा था कि लाइट आती है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन फोनोन

हैं विजिबल तो आपको होगा ना अदरवाइज मैं थोड़ा और जूम कर देता हूं अगर नहीं विजिबल है तो आपको ठीक है

बनाया और एक लाइट ईयर होता है नाइन पॉइंट फोर सिक्स इंटू टेन पावर ट्वेल्व किलोमीटर होता है इसको और ज्यादा बड़ा बनाने के लिए पार्सेक यूनिट बना दिया पार्सेक पार्सेक है, अभी मैंने बताया था ये सब न्यूक्लियर रेडियस तक मेजर करता है तो बहुत ही छोटा सा रहता है देखा जाए तो आपका ठीक है लेकिन सबसे बड़ा डिस्टेंस मेजर करने के लिए आप लोग यूज क्या करते हैं क्या पार्सेक यूज करते हैं एक पार्सेकेंद्र कितना होता है तीन पॉइंट दो छह होता है याद रखिएगा आप लोग तो लाइट ईयर का वैल्यू क्या है ये भी पता होना चाहिए और पारसे क्या है उसका भी वैल्यू आप लोगों को पता होना चाहिए दोनों वैल्यू ही वैल्यूबल है जरूर याद रखना है आपको बाकी बहुत इजी चीजें हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसका यूनिट क्या होता है बार होता है यूनिट पावर का वाट होता है पता है सबको ये बहुत इजी चीजें हैं इनको मैं ठीक है ना नहीं बताने वाला हूं यहां पे आता हूं मैं अब ठीक है जो चीज चीज बस है, बस इंपॉर्टेंट है वही शेयर करूंगा द यूनिट ऑफ मेजरिंग द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर ओजोन लेयर की मोटाई है उसको मेजर करने के लिए डॉपसन नाम का एक यूनिट होता है उसको उससे पता लगाते हैं और एक बात और याद रखना ओजोन डे कब मनाते हैं ओजोन डे मनाते हैं हम लोग सोलह सेप्टेम्बर को मनाते हैं ओजो ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है O3 होता है और ओजोन है कहां पे ओजोन है भाई समताप मंडल में यानी कि स्टेटोसफेयर जो है ना वहां पे ओजोन लेयर पाई जाती है ये याद रखना आप लोग ओजोन कहाँ पाई जाती है पता होना चाहिए स्टेटोसफेयर के अंदर जो है ना वो ओजोन पाई जाती है आपकी राइट right, सर ये भी बात हमें पता लगी और इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को जो इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है वो देखो ये चीजें हॉर्स पावर वगैरह वगैरह आपको सब चीज पता है ऑलरेडी माइक्रोन वगैरह भी आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को बस यही ये चीजें तो आप लोगों को फॉर्मूले वगैरह है यहाँ नीडी नहीं है इन चीजों को पढ़ने के लिए ठीक है ना हाँ ये थोड़ा एक इंपॉर्टेंट पार्ट आया फिर से अगले आपका टू मेजर द स्मॉल यूनिट राजा भाई हाँ तो मेजर स्मॉल लेंथ छोटी जो लेंथ होती है बिल्कुल छोटी सी लेंथ है उसको मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज जो होता है ना उसको उसका यूज किया करते हैं हम लोग कोई छोटी सी कोई डिस्टेंस होती है उसको मेजर करने के लिए वर्नियर कैलिपर का या स्क्रू गेज का जो है ना हम लोग इस्तेमाल किया करते हैं

बता देना कोई ज्यादा ही इश्यू बना रहा है तो आप उसमें एक ब्लॉक का ऑप्शन आता है ब्लॉक बना देते हैं ठीक है ना उसको हम उसका इशू बनाएंगे ठीक है आओ यहाँ पे आओ ठीक है ना समझने के लिए आ, ताकि थोड़ा थोड़ा साथ के साथ आप चीजें समझ पाओ क्या है हमारे पास में मैच द लिस्ट वन लिस्ट टू एक लिस्ट और दूसरी लिस्ट दे रखी है एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड ये कोड दे रखे हैं आपको इनको आपस में मैच करना है आंसर भले ही साथ में दे रखा हो पर कोई इशू नहीं मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं कि होता क्या है आपका ये दे रखे हैं सारे के सारे ऑर्गन ऑर्गन का मतलब हिंदी में क्या होता है ऑर्गन का मतलब होता है अंग ये सारे अंग है स्टमक का मतलब क्या है स्टमक पेट है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का मतलब है आपका ये छोटी आंत दे रखी है आपकी यहाँ पे ठीक है ना छोटी आंत दे रखी है लार्ज इंटेस्टाइन का मतलब क्या है यहाँ पे आपको बड़ी आंत दे रखी है ठीक है ना ये क्वेश्चन सारे यूपीएससी सिविल से सर्विस एग्जाम के ऑलरेडी आए हुए सवाल है उन्हीं कोई उठा के लाया हूं मैं ठीक है ना लीवर है लीवर का मतलब क्या होता है लीवर का मतलब यकृत होता है आपका ठीक है अच्छा आपको लिस्ट दे रखी था बिगेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी हमारे शरीर के अंदर जो है ना सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है सबसे बड़ी ग्लैंड हमारे शरीर के अंदर लीवर होती है याद रखिएगा आप लोग लीवर, लीवर ही होती है याद रखिएगा लीवर का डे कब मनाते हैं पता होना चाहिए लीवर डे लीवर डे सेलिब्रेट किया करते हैं उन्नीस अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं याद रखिएगा नाइनटीन ऑफ अप्रैल को लीवर डे सेलिब्रेट करते हैं पहली बात

का कलर है सब कुछ इसी वजह से ही दिखाई देता है हमें ठीक है सर लीवर है लीवर से रिलेटेड ज्यादा शराब कोई पी लेता है तो उसके लीवर ना ऐसा ऐसा सा हो जाता है ऐसा ऐसा मतलब सर ये ये नॉर्मल और इसके अंदर ना ऐसे 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 आ जाएगी ये एसे -एसे से लग जाएगा बड़ा बड़ा हो जाएगा और इसको कहा करते हैं क्या इसका नाम दिया करते हैं हम लोग लीवर सिर हॉसिस के नाम से पुकारा करते हैं लीवर सिर हॉसिस या इसको कहा करते हैं हम लोग फैटी लीवर के नाम से पुकारा करते हैं फैटी लीवर होता है ये आपका ये और इसमें क्या होता है लीवर में पंचर हो जाता है ये याद रखिएगा

तो आई थिंक ये पहला ऑप्शन जो है ना आप लोगों को जो है ना वो क्लियर हो गया होगा कि लीवर जो है ना वो तो यहाँ पे है दूसरा है हमारा एब्जॉर्शन ऑफ डाइजेशन फूड इन द ब्लड वेसल ठीक है आप लोग ब्लड वेसल की बात करते हो तो ब्लड वेसल जो है ना हमारा यहाँ पे किससे कनेक्टेड होता है तो ब्लड वेसल का आपका जो कनेक्शन होगा वो किससे होगा देखो खाना सबसे ज्यादा टाइम तक रहता है किस आंत में छोटी आंत में रहता है इस बात को आप याद रखिएगा लगभग पूरे तीन से चार घंटे जो खाना है ना आपका वो कहां रहता है छोटी आंत के अंदर रहता है छोटी आंत की लंबाई लगभग छह से लेके मीटर के अराउंड होती है आपकी क्यों तो, क्योंकि तो बड़ी आंत और छोटी आंत में लंबाई का इतना ही फर्क है इनका देखो नाम से नहीं है डाया से है ये बड़ी आंत है उसकी लंबाई होती है एक से लेके डेढ़ मीटर तक होती है आपकी रिस्की छे से साढ़े मीटर तक होती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सारा खाना है वो आपका जो है ना वहीं पे ही जाके जस्ट होने की प्रोसेस में आता है आपका सो so, ये तो पॉइंट ठीक है इसके साथ में इजिली मैच हो गया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगला वॉटर एब्जोर्शन की बात आती है हमारे पास में तो पानी जो हमारा पचता है ना लिक्विड पार्ट है वो आपका बड़ी आंत में पचता है बड़ी आंत आंत छोटी तक आते आते लगभग सब चीजें जाती है 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 जो चीज बचती बचती वो बसती है। क्या पानी बचता है केवल और वो कुछ इस टाइप की जो है ना उसके अंदर विल्ली बनी होती है इनको बोलते हैं विल्ली बनी होती है यहाँ पे जो है ना आपका एक्चुअली यूं समझो इसके अंदर बीच में खाना फंसता है जैसे आप मोसंबी का जूस निकालते हैं ना ऐसे यहाँ पे पिंच होके जूस निकलता रस निकलता है आपका खाने का मतलब पचा हुआ खाने को दोबारा एक बार से बिल्कुल निचोड़ा जाता है, यूं समझिएगा तो वो रस है ना वो यहीं पे आके पचता है आपका सारा का सारा हालांकि यहाँ पे दो विटामिन भी बनते हैं एक विटामिन बी ट्वेल्व बनता है याद रखना है एक विटामिन के ज्यादा विटामिन बी ट्वेल्व बनता है थोड़ा विटामिन के विटामिन के किडनी में भी बनता है विटामिन बी ट्वेल्व यहाँ पे टोटल यहाँ पे छह सौ से ज्यादा प्रकार के बैक्टीरिया की प्रजाति पाई जाती है सो से ज्यादा प्रकार की बैक्टीरिया की प्रजाति पाई जाती है तो वो क्या करती है खाने को गलाती है सड़ाती है और के साथ साथ जो है ना विटामिन राधे राधे डियर वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू नमस्कार माफ करना ये बीच में इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था अब दोबारा से रिजोल्व हो गई है प्रॉब्लम तो ठीक ठाक सब कुछ ठीक है और थोड़ा सा मौसम ऐसा ही आप है आप लोग जान ही रहे हैं रेनी सीजन है तो और भारत है भारत की टेक्नोलॉजी से ना तो दूर जाया जा सकता ना पास रहा जा सकता खैर जैसे भी कंडीशन है दोबारा से सब कुछ ठीक हो गया है एंड वेलकम आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे आज के इस सेशन को जो पढ़ रहे थे हम लोग उसी से आगे बढ़ाता हूँ आप लोगों को मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा था आप लोगों को एक पहला ही क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा था एक्चुअली काफ़ी डिटेल में जाने की कोशिश कर रहा था मैं इसके अंदर ठीक है ना और डिटेल में लाइट ये नेटवर्क वालों ने जो है ना वो जाने नहीं दिया इस क्वेश्चन का आंसर तो भी दे चुका हूं मैं ऑलरेडी आप लोगों को ठीक है ना अब चलिए मैं दूसरे सवाल पे जाता हूं पहले क्वेश्चन को छोड़ के इसका पूरा डिटेल है अब पढ़ने की जरूरत है नहीं क्योंकि मैंने आप लोगों को कंप्लीट जो है ना डिटेल इसका समझा दिया है ठीक है आइएगा अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम लोग और अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है ना हमारा वो क्या रहने वाला है आपका ठीक है रिगार्डिंग अमीबा अमीबा से रिगार्डिंग कंसीडर द फॉलोइंग इनमें से कौन सा जो आपका पॉइंट है ना वो बिल्कुल ठीक बैठेगा अमीबा सबको ये तो पता है कि अमीबा जो है ना वो सिंगल सेलुलर होता है जिसको आप लोग यूनि जीव के रूप में भी पुकारा कर सकते हैं एक कोशिकीय जीव होता है ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए जिसके अंदर एक ही कोशिका होती है ठीक है सर जी अब पहला पॉइंट इसका पढ़ते हैं हम लोग इट इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द पॉन्ड वाटर सही बात है मैंने अभी तो बताया था कुछ और पढ़ना थोड़ा आपको एक माइक्रोस्कोपिक होता है माइक्रोस्कोप से देख सकते हो वैसे तो नंगी आंखों से तो कहीं दिखता होगा आपको सिंगल सेल्ड होता है एक ही कोशिका होती है इसके अंदर अमीबा जो होती है वो कॉन्स्टेंट चेंज इट्स शेप एंड पोजिशन ये बात ध्यान रखना आप क्या अपनी शेप एंड पोजिशन चेंज कर सकते हैं क्या हाँ <laughs> कर तो लेते हैं धीरे धीरे पहले मैं बिल्कुल ऐसा पतला

होनी चाहिए वर्टिकल ग्रोथ पर हॉरिजॉन्टल दिख रही है और इसके बाद बाद मुझे लग रहा है एक वक्त ऐसा आएगा कि थोड़ी ज़्यादा ही हॉरिजॉन्टल ग्रोथ आ जाएगी ठीक है ना इतनी ज़्यादा तो नहीं आएगी मतलब ठीक है आ ही जाएगी तो लेकिन ये चेंज होते ये चेंज हो जाते हैं इनका शेप है ये गोल है ऐसे हो जाएंगे ये ऐसे हो जाएंगे ये ऐसे हो जाएंगे ये ऐसे भी बन जाएंगे मतलब अपने प्रेमिका के लिए इनको अमीबा को इनकी प्रेमिका कहेगी ऐसे बन जाओ ऐसे ये ऐसे दिल में तिर तुर भी मार देंगे तो अमीबा अपनी शेप चेंज कर सकते हैं याद रखिएगा अमीबा है जो सेल सेलब्रेन अ राउंडेड डेंस न्यूक्लियस एंड मैनी स्मॉल साइटोप्लाज्म साइटोप्लाजम बिल्कुल होता ही है छोटा सा ही तो इसका सही आंसर क्या है आपका ए बी सी डी तीनों ही पॉइंट जो है ना आपका ठीक रहेगा ए बी सी है तीनों ही पॉइंट ठीक है हमारा यहाँ पे सिंपल सवाल था लेकिन प्रस्पेक्टिव एग्जाम को देखा जाए तो बिल्कुल ठीक ठाक है और बाकी डिटेल इसके अंदर लिखा ही हुआ है मैं आपको वैसे एक्सप्लेन कर रहा हूं डिटेल बताने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं आपको को विच द फॉलोइंग इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है आपकी पहली स्टेटमेंट आपकी हमारे के अंदर, लीवर जो है ना, सबसे बड़ी ग्रंथी होती, होती है और यह ग्रंथी लार्जेस्ट होती है ठीक बात है लीवर डे मैंने अभी बताया था कब मनाया जाता है उन्नीस अप्रैल को लीवर डे सेलिब्रेट करते हैं द लीवर डज नोट सीक्रेट जूस ये स्टेटमेंट ठीक कैसे स्टेटमेंट तो गलत हो गई है लीवर ही ऐसा है जिससे बाइल जूस निकलते हैं अभी बताया था दो प्रकार के बाइल जूस निकलते हैं एक निकलता है बिली रूबीन एक निकलता है होता होता है है पीले रंग का हरे रंग का होता है प्लाज्मा का रंग पीला होता है बिली रूबीन के कारण ही होता है तो ये तो स्टेटमेंट गलत है हाँ ये बाइल जूस स्टोर कहाँ होता है तो बाइल जूस स्टोर होता है आपका गोल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है ये याद रखिएगा आप लोग गोल ब्लैडर के अंदर जो पित्त की थैली होती है उसमें जूस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट हाँ ये बात जरूर याद रखना लीवर किसका पाचन करता है तो लीवर पाचन करता है फैट का लिपिड का लिपिड ठीक है ना हालांकि 100 परसेंट तो नहीं पचाता है लेकिन लगभग लगभग आधा अधूरा तो पचा ही देता है देखा जाए तो तो बाइल जूस जो होता है ना वो फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है तो पहला स्टेटमेंट भी ठीक है तीसरा स्टेटमेंट भी ठीक है दूसरा स्टेटमेंट नहीं है इस करके इसका पहला और तीसरा स्टेटमेंट वाला ऑप्शन जो है ना हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा आंसर बिल्कुल भले ही साथ में दे रखे हूँ लेकिन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ हिंदी में ही कर रहा हूँ लिखे भले ही इंग्लिश में हो एक्चुअली क्या है कि आ, ये मतलब इंग्लिश में इसलिए क्योंकि साइंस है ना थोड़ी सी इंग्लिश का टच में जल्दी समझ में आती है तो मुझे समझाना आसान पड़ जाएगा इसलिए ये क्वेश्चन इस भाषा में है लिए हुए ठीक है ना और प्रॉपर हिंदी के कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो समझ में नहीं आते मुझे खुद को ही तो मैं आपको क्या ही एक्सप्लेन करूँगा उस चीज़ का क्योंकि मेरा स्कूलिंग का या यूँ कहिएगा पढ़ा हुआ इसी लैंग्वेज में ही था ना तो करके और ऐसा कुछ बात नहीं है कि मैं अंग्रेज हूँ ठीक है फिर भी आपको कुछ खैर एक्सप्लेन करूँगा क्या है इसके अंदर आपका पॉइंट यहाँ पे आते हैं हम लोग ठीक है देखिएगा पहला क्वेश्चन रिगार्डिंग द डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम से रिगार्डिंग अगर बात करते हैं तो कंसीडर द फॉलोइंग इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक रहेगी पहली स्टेटमेंट है डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट सिंपल सब्सटेंस ऑफ फूड इनटू कॉम्प्लेक्स वन व्हिच व्हिच मींस डाइजेशन उसको डाइजेशन कहेंगे देखो डाइजेस्टिव जूस सही होते हैं कन्वर्ट क्या करते सिंपल सब्सटेंस ऑफ फूड देखो क्या होते हैं आपके इनमें से अगर आप लोग देखने की कोशिश करते हो कंसिडर स्टेटमेंट करते हैं इनमें से इनमें से रोंग स्टेटमेंट बतानी है आपको ठीक है ना ये आप लोग देखिएगा इनमें से रोंग कौन सी है स्टेटमेंट गलत बतानी है तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल साफ तौर पर आपको गलत लग रही होगी क्यों गलत लग रही होगी कारण बताता हूं आपके मुंह के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है अमाइलेज आप लोग खाते हो क्या कार्बोहाइड्रेट जिसका नाम होता है सरकरा अच्छा ये जो सरकरा आप लोग खाया करते हो इसको कन्वर्ट किस में किया जाता है वाया एंजाइम इसको किया जाता है कन्वर्ट ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट किया जाता है ये सिंपल फॉर्म हुई ना ये तो टफ फॉर्म है कॉम्प्लेक्स है कॉम्प्लेक्स है सिंपल बनाते हैं ना ये तो इन्होंने पता क्या लिखा है इन्होंने लिखा है जो आपके पाचक रस होते हैं ना वो आपके सिंपल खाने को कॉम्प्लेक्स बना देते हैं उल्टा बता दिया इन्होंने इन्होंने ये कहना था कॉम्प्लेक्स को सिंपल बनाते हैं तो ठीक कह देता मैं तो ये स्टेटमेंट तो हंड्रेड परसेंट रॉन्ग है ठीक है दूसरी स्टेटमेंट को पढ़िएगा विच द इनर वॉल ऑफ स्टोमक द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द वेरियस ग्लैंड एसोसिएटेड विद एलिमेंट्री कैनाल सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस हाँ ये बात ठीक है जितने भी आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन होते हैं एलिमेंट्री कैनाल टोटल लंबी होती है नाइन मीटर के आसपास इनके अंदर एक म्यूकस मैमब्रेन जिसको आप सलेषमा झिल्ली कहते हैं अंदर उसकी कॉटिंग टाइप से जो है ना की हुई है अंदर उन्हीं के अंदर से जो ना वो जूस निकलते हैं तो वो आपका जो इंद्र वो या आपके जो जैसे पेट है पेट के अंदर से एस है वो पेट कोई नुकसान नहीं पहुंचाता ना क्योंकि उस सलेषमा झिल्ली उसको बचा लेती है तो स्टेटमेंट ठीक है कोई गलत नहीं है इसमें से पहली स्टेटमेंट गलत है तो इसमें से गलत कौन सी हुई ये पहला ही ऑप्शन जो है ना हमारा ठीक रहेगा ऑनली वन ठीक रहेगा चलिए अगला सवाल हम लोग पढ़ाते हैं आपको पांचवा सवाल जो है ना हमारा वो क्या रहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है ये जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर हैं ठीक है ना और ये पेपर 2013 से लेके और 2019-20 तक के जो है ना सिविल सर्विस के पेपरों में से निकाले हुए क्वेश्चन है जो पेपरों में पूछे गए हैं आपके बिल्कुल वही फॉर्मेटर वहीं से ही क्वेश्चन निकाले गए हैं ये तो सिम्बायोटिक रिलेशन क्या होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है सहजीवी अगर ये जी रहा है तो उसके साथ साथ आप लोग भी जियोगे उसके बिना आप जी नहीं सकते कहते हैं ना कि जिंदा रहने के लिए एक मुलाकात जरूरी है सनम तो जिंदा रहने के लिए जैसे मुलाकात है मुलाकात और जिंदा रहना एक दूसरे का सिम्बायोटिक रिलेशन है मैं तेरे बिना मर जाऊंगा तो मेरी जिंदगी है तो मेरी मोहब्बत है तो ही मेरी सब कुछ है वो सिम्बायोटिक रिलेशन आप चाहते हो खैर ये तो फेंकने वाली बात हुई लेकिन वैसे बता रहा हूं ऐसे है सिंबायोटिक किसका होता है आपका अच्छा इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर आपको ढूंढना है सिम्बायोटिक किस किसका हो सकता है आपका तो देखिएगा सबसे पहला आपका एलगी और फंगी का होता है क्या हाँ एलगी और फंगी का आप लोगों ने पढ़ा हुआ एक लाइकेन नाम का पौधा पढ़ा होगा जरूर पढ़ा होगा जिससे ये खाना देती है ये इसको पानी देती है ठीक है ना तो मतलब यूं समझ लीजिएगा ये खाना बना के देते हैं ये पानी ला के देता है तो कितना प्यार है इन दोनों में मोहब्बत बड़ी गजब की है बिल्कुल सिंबायोटिक रिलेशन जो है ना इनका होता है आपका एलगी बैक्टीरिया का कोई नहीं होता है फंगी बैक्टीरिया का नहीं होता है प्लांट और बैक्टीरिया का भी होता ही है बैक्टीरिया तो खैर ठीक है हर जगह भी कह सकते हो एनिमल बैक्टीरिया भी कह सकते थे आप लोग क्योंकि चिंचड़ की बात कर लो आप लोग चिंचड़ है तो वो भैंस के ऊपर लगा ही होता है जानते हो चिंचड़ डू यू नो अबाउट चिंचड़ चिंचड़ के बारे में शायद जानते ही होंगे आप लोग ठीक है ना तो सर एडमिट कार्ड अटेस्टेड करवाने हैं क्या नहीं करवाने ठीक है

सहारा देते हैं तो उस टाइप से ही कहिएगा उनको सिंबायोसिस कहते हैं हाँ उन्हीं को ही तो कहते हैं और किन को कहोगे आप लोग उन्हीं को ही आप लोग जो है ना सिंबायोसिस कहते हैं दूसरा है कि न्यूट्रिशंस इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिशंस फ्रॉम डेड एंड डिकेड कॉल्ड स्पेक्ट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस न्यूट्रिशंस जो होते हैं ना इन विच ऑर्गेनिज्म टेक न्यूट्रिशंस फ्रॉम डेड तो देखिए क्या होता है कि जहाँ से आपके न्यूट्रिशंस डेड सेल्स से जो निकलते हैं उसको ही आप लोग स्पेक्ट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस के नाम से जानते हैं तो दोनों आप लोग स्टेटमेंट जो है ना वो बिल्कुल ठीक मानेंगे ट्रू स्टेटमेंट पूछी थी इन्होंने दोनों तो स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है ईजी वाले सवाल हैं कुछ तो ठीक है ना ज्यादा ईजी लग रहे हैं मुझे तो पता नहीं क्यों सेवेंथ नंबर सवाल पे आते हैं हम लोग अगेन आपसे ट्रू स्टेटमेंट पूछी है कौन सी रहेगी ऑल प्लांट सिंथेसाइज देयर फूड सेल्व नहीं 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 सारे के सारे जो पौधे होते हैं वो अपना खाना खुद ही बनाते हैं नहीं 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 नहीं, नहीं सारे पौधे को अमर बेल कर लगा लीजिए प्लांट में आते हैं है, दूसरों पर डिपेंड है ऐसा नहीं सारे खुद बनाते हैं है। तो है। प्लांट ऑप्टेन नाइट्रोजन थ्रू रूट प्रेजेंट इन द सोइल हाँ ये सही है पौधों के अंदर जो जड़े होती है वो काम ही क्या करती है पौधों की जड़े जो होती है वो मिट्टी के अंदर जो नाइट्रोजन है आप नाइट्रोजन कहा से लाए आप मिट्टी में जो है ना नाइट्रोजन छिंटते हैं ना यूरिया खाद जैसे हो गया एग्जाम्पल से फोर्टी सिक्स परसेंटेज फोर्टी से थोड़ी ज्यादा होती है पर फोर्टी परसेंटेज अराउंड तो जो मिट्टी के अंदर जो यूरिया

जो आपका यूं कहिएगा आप लोग पत्ते हैं पत्तों के अलावा भी जो पौधों का हरा भाग है वहां से भी थोड़ा बहुत फोटोसिंथेसिस का आपका काम देखने को मिल सकता है हाँ ठीक है ये स्टेटमेंट लगभग ठीक है आपकी बी वाला ऑप्शन जो है ना हमारा यहाँ पे वो बिल्कुल ठीक रहेगा यहाँ पे ठीक है पढ़ रहे हो आप लोग सही हाँ समझ में आपको आ रहा होगा एक बार बताओगे आप लोग हुँ? एक बार पढ़ रहे हो क्या आप लोग बताओगे प्रणाम भी कपिल कपिल जांगड़ा समझ में आ रहा है पढ़ रहे हो क्वेश्चन सही है सही गलत तो क्या पता हो यूपीएससी वालों ने यही दिए थे तुमने तो भी यही उठा लिए चलिए सर समझ में आ रहा है ये पेपर वन का ही वीडियो है बैठा और कौन सा पेपर टू के लिए थोड़ा ना वीडियो है ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस के लिए इनमें से क्या चीज़ जरूरी है भाई देखो फोटोसिंथेसिस के लिए जो है ना इनमें से क्लोरोफिल चाहिए क्या क्लोरोफिल तो चाहिए ही ठीक है ना और क्या करोगे प्रकाश चाहिएगा कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिएगा पानी भी चाहिएगा सब कुछ ही चाहिएगा जिंदा रहने के लिए सभी प्रकार की मुलाकातें जरूरी है एक दो तीन चार सारी चीजें चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस अगर करवानी है तो साइंस है पर थोड़ी एनवायरमेंट टाइप की साइंस है ईवीएस जिसको आप लोग बोलते हो ना वो थोड़ी ज़्यादा है सिविल सर्विस वाले एग्जाम जो है ना वो थोड़े से इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर पूछते हैं अपने आप में ठीक है बाकी एनसीईआरटी है छठवीं से बारहवीं तक का सेट बनाया हुआ है ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कॉल्ड फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट सभी बच्चे जानते होंगे पौधों की फूड फैक्ट्री क्या होती है पत्ते ही होते हैं और तो क्या है इसको पौधों का किचन हाउस भी के नाम से पुकारा करते हैं प्लांट किचन हाउस के नाम से भी इसको जानते हैं हम लोग अगला सवाल नहीं है अगला सवाल ठीक है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है ना हमारी ठीक रहेगी फाइबर ऑप्टेंड फ्रॉम एनिमल आर नॉन एज फिल्सी हाँ सही है जो फाइबर होते हैं ना आपके वो एनिमल से ही ऑप्टेंड होते हैं आपके सही है ये सिल्क फाइबर कम फ्रॉम द कॉकॉन्स ऑफ द सिल्क माउथ ये आपको शायद याद होगा जो रेशमी कीड़े होते हैं ना वहां से ही जो है ना रेशम बनाया जाता है ये बात बिल्कुल ठीक है 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 शिप गोट एंड याकार, वुल यिल्डिंग हाँ, सही है, जो भेड़ है, या कुछ बकरी भी है जैसे पश्मीना ऊन पश्मीना बकरी का एक नस्ल है और उसी से ऊन बनाया जाता है याक है जो पहाड़ी इलाके में तुमने देखा होगा वो लोग उस पर पूछा के फोटो सा खिंचवाते हैं उसका ऊन सा लटकता रहता है वो सारे के सारे जो है ना वो ऊन उत्पादक है तो इसका सही आंसर क्या हो गया आपका एक दो तीन ही इस सवाल का सही आंसर रहेगा हमारा यहाँ पे ठीक है ना यानी कि डी वाला ऑप्शन सही रहेगा अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे ये रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन करेक्ट इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो गलत है अच्छा देखो क्या है कि अंगोरा वूल इज ऑप्टेंड फ्रॉम अंगोरा गोड्स ये सही है उसी बकरी से ही जो है ना ये ये अंगोरा हुआ पश्मीना हुआ इनसे जो है ना वो ऊन भी प्राप्त होता है पश्मीना शॉल बहुत महंगे हैं शायद आपको पता होगा जीआई आई टैग्ड शॉल है कश्मीर साइड जब आप जाते हैं तो उनकी थोड़ी चर्चा थोड़ी ज्यादा ही रहती है देखा जाए तो अंगोरा का गोट आर फाउंड इन द हिली रीजन एंड जम्मू एंड कश्मीर हाँ बिल्कुल इसी रीजन में मिलते हैं इनके कपड़े वगैरह भी बहुत आपको देखने को मिलते हैं पश्मीना सोल्स आर मेड फ्रॉम द सॉफ्ट अंडर फर ऑफ अंगोरा गोट नहीं ये पश्मीना सोल मैंने अभी बताया पश्मीना बकरी से मिलता है इस करके इसका अंगोरा का कोई लेना देना ही नहीं है इस करके इसका ऑप्शन नंबर सी जो है ना ये ठीक रहेगा जो इनकरेक्ट है मतलब कहने का मतलब इस क्वेश्चन का चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या रहेगा अगला क्वेश्चन है थर्ड आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ सिल्क सिल्क के मुकाबले देखा जाए तो कौन सी स्टेटमेंट ठीक रहेगी हमारी करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है द रीरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑप्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सैरिकल्चर ये बात सही है रेशम की खेती को क्या कहते हो आप लोग रेशम की खेती को आप लोग सैरिकल्चर के नाम से जानते ही हो सिल्क फाइबर आर मेड ऑफ प्रोटीन सिल्क फाइबर प्रोटीन के बने होते हैं ये भी ठीक है तो स्टेटमेंट एक भी ठीक है स्टेटमेंट दो भी ठीक है दोनों ही स्टेटमेंट जो है ना यहाँ पे हमारी बिल्कुल ठीक रहेगी इसको भी आप लोगों को यहाँ से याद कर लीजिएगा डियर ठीक है ना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जो है ना जाने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है ना वो क्या रहने वाला है इन रिलेशन टू सिल्क विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट जो सिल्क से रिलेटेड जो है ना इनमें से कौन से स्टेटमेंट है वो करेक्ट है द सिल्क फाइबर इज स्ट्रॉन्ग एज स्टील फाइबर स्टील वायर हाँ ये देखो बात ठीक है जो सिल्क फाइबर होता है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है इतना स्ट्रांग होता है जैसे समझिएगा कोई स्टील की तारी कोई ना क्यों ना हो तो शार सिल्क 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 एंड कोसा आर डिफरेंट ऑफ ये आपको सिल्क की वेराइटीज याद रख लेनी है ये अलग अलग सिल्क की वेराइटीज है ये जर्नली जो है ना ऑप्टेंड होती है अलग अलग रेशमी कीड़े जैसे कि की आपका जो है ना कोकोन्स है उनके कीड़ों से मिलती है और बहुत सारे कीड़े अलग अलग जैसे मलबरी है सहतूत का जो कीड़ा है वहां से जर्नली आपको मिलती है तो ये बात बिल्कुल ठीक है अलग अलग वेरायटीज होती है सिल्क की ये अगला आपका सवाल है कि विच ऑफ द फ़ॉलोइंग इज़ नोट ए मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर टेम्परेचर के यूनिट के बारे में बात करी है कौन सी नहीं होती सेल्सियस होता है सही बात है फारनाइट होता है कैलविन भी होता है पास्कल नहीं है ये प्रेशर का होता है आपका ठीक है ना तो, तो पास्कल प्रेशर की ऐसा यूनिट होती है टेम्परेचर की नहीं होती है उसके बाद में अगला सवाल है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट द हीट फ्लोज फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कूलर सही बात है हायर टू लोअर ही जाती है जैसे पानी ऊपर से नीचे जाता है तो हीट भी जो है ना वो आपके हॉट ऑब्जेक्ट से कूल ऑब्जेक्ट की तरफ जाएगी सही है मोड ऑफ हीट ट्रांसफर दैट कंटिन्यूस टिल द होल वाटर गेट हीटेड इज नोन एज कन्वेंशन सही बात है आप लोग पानी को जब गर्म करते हैं तो देखा होगा पहले ऊपर का पानी गर्म होता है फिर वो नीचे जाता है नीचे और ठंडा ऊपर आता है रोड से पानी करते हैं कई बार ऐसा होता हो हो, तो हो तो गीजर 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 हो बाथरूम में जाते थे राजी होके जाते थे बेटे क्या है गर्म गर्म पानी है तो जो गर्म गर्म पानी से पैर पैर धो लिए हाथ मुंह धो लिए गर्म वहाँ मजा आएगा अब नहाएंगे मतलब एक दो पानी का डिब्बा वगैरह डाल दिया ठीक है साबुन वाबुन लगा ली अब आता था असली वाला मजा साबुन पूरे शरीर पे लगी हुई है अब पहाड़ जो डब मग्गा निकाला ना भर के वो डाला है ना बेटा वो निकला ठंडा पानी आए हाय 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 इसे कहा है शास्त्रों में धोखा देना ठीक है ना तो शास्त्रों वाला धोखा आता है एग्जाम देखा होगा तुम लोगों ने फील किया होगा इसको मैंने तो खैर किया है तुम्हारा पता नहीं एनीवे anyway, चलो जी अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा आता है नेक्स्ट uh, क्वेश्चन आपका है है नंबर क्वेश्चन आपका इसको पढ़ते हैं और दो लिस्ट है इन दोनों को आपस में आप लोग मैच करवाते हैं तो कौन सा uh, हमारा यहाँ पे ठीक रहेगा टाइम एट विच लैंड ब्रिज फ्लो ठीक है ना तो टाइम एट विच लैंड ब्रिज फ्लो जो है ना ये ठीक रहेगा अगला टाइम एट विच सी ब्रिज फ्लो ये क्या ठीक रहेगा ये दिन में होता है हाँ ठीक है लैंड ब्रिज है ये रात में है सी है तो ये दिन में हो जाएगा डार्क कलर्ड क्लोथ है ये कहाँ पे रहेगा आपका ये मतलब विंटर सीजन के लिए है ठीक है ना और लाइट कलर है फिर तो ये समर है आप सर्दियों में क्या है ये तो मतलब बाकी आप ये दो ना पढ़ते इन दोनों से आपको जल्दी समझ में आ जाता डार्क कलर जो होते हैं वो विंटर सीजन और लाइट कलर आप लोग गर्मियों में तो नॉर्मली पहनते ही पहनते तो वो ठीक है आपका नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है एन आयरन बोल एट 40 डिग्री सेल्सियस इज ड्रॉप्ड इन अ मग कंटेन वॉटर एट 40 डिग्री सेल्सियस हीट विल हीट के साथ में क्या होने वाला है भाई एक लोहे की बोल है चालीस डिग्री पे जो है ना चालीस डिग्री सेल्सियस है आ, की है मतलब समझिएगा उस टेम्परेचर के ये है उसको ड्रॉप किया जाता है गिराया जाता है मगर जिसके अंदर पानी लगभग चालीस डिग्री सेल्सियस का ही है ठीक है ना तो हीट क्या होने वाली है फ्लो फ्रॉम आयरन बोल टू वॉटर नोट फ्लो फ्रॉम फ्रॉम आयरन आयरन टू टू यही सही है क्योंकि हैचर सेम दिया है ना आपने यहाँ पे चालीस टेम्परेचर यहाँ पे चालीस यहाँ पे तो कोई यहाँ पे फ्लो की कंडीशन ही क्या है टेम्परेचर तो अभी मैंने बताया ना कैसे होता है हॉटर टू आपका कूलर पे आ जाता है मतलब गर्म टू ठंडे पे जाता है तो यहाँ तो कोई गर्म ठंडे वाली कंडीशन ही नहीं आ रही ना आपकी इस करके कोई भी यहाँ पे आपको चेंज देखने को नहीं मिलेगा मोर इज द डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ बॉडीज इन कंटेंट तो इनमें क्या रहने वाला है आपका मोर इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम बॉडी टू हायर टेम्परेचर टू बॉडी टू लोअर टेम्परेचर ये देखो तो बहुत ही सिंपल सी कंडीशन है टेम्परेचर कैसे जाता है हायर टू लोअर जाता है कोई ज्यादा इसमें दिमाग लगाने वाली बात नहीं है बहुत ही साधारण सी बात है हायर टू लोअर जाता है बस बात खत्म Which of the following uh, which of the following pairs may give equal numerical value of temperature बहुत में आया हुआ है, ठीक है ना minus forty degree celsius of fahrenheit जो है ना आपका ये आ, बराबर बराबर सा रह जाता है A option जो है ना इस सवाल का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा statement match करने की बात आई है कि इनमें से कौन कौन सी statement है वो आपस में match हो रही है इसके बारे में हमसे पूछा है तो मैच लिस्ट वो और लिस्ट टू को मैच करवाना है हम लोगों को तो देखो मैच करवाते हैं हम लोग पहला है फॉर्मिक एसिड सही है जो चिंटी होती है चिंटी के डंक से जो है ना वो निकलता है फॉर्मिक एसिड है ये और कहा से निकलता है और निकलता है एनडब्ल्यू टी एल ई निटल प्लांट जो होता है ना उससे कांटे से भी निकलता है और कहाँ से निकलता है और निकलता है बिच्छू के डंक से भी यही निकलता है तो बिच्छू हुआ चिंटी का डंक हुआ इन सभी से फॉर्मिक एसिड ही निकलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर होता है टाट्रिक एसिड ठीक है सॉप है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ना आपका ये ग्रेफ फ्रूट वगैरह है ना यही है तो सारे ऑप्शन जो है ना एक दूसरे से सही मैच हो ही रहे थे यहाँ पे तो ये कई सारे आपके यहाँ पे ना आपके लिखे हुए हैं ये एसिड्स लिखे हुए हैं ठीक है ना आ, इनके बारे में बात करते हैं तो इसको एसिटिक एसिड है ये विनेगर में रहता है फॉर्मिक एसिड आंट में रहता है सिट्रिक एसिड है खट्टे फलों में पाया जाता है इसे ऑरेंज या लेमन है लैक्टिक है ये दूध या दही में है एग्जैलिक है स्पेनिश है के अलावा टमाटर में भी पाया जाता है ठीक है ना ये बड़ा गजब का मैंने अपने कई सारे सेशन में बताया होगा चेहरे पर टमाटर को रगड़ने से चेहरे पर जो टैनिंग आती है ना वो सारी दूर हो जाती है सबसे बेस्ट फेस वॉश होता है कभी ट्राई करके देखना आप लोग चेहरे पे टमाटर का जो रस निकालना कद्दूकस करके उसको चेहरे पे लगा लेना पाँच दस मिनट बाद में चेहरे को धोकर देखना आपको खुद को फील होगा एकदम मस्त वाला फेस वॉश है इससे अच्छा फेस वॉश हो ही नहीं सकता है जंग के दाग को हटाने के लिए जो है ना ये ऑक्जेलिक एसिड का यूज करते हैं एस्कॉर्बिक एसिड है, है आंवले में मिलता है सिट्रस फ्रूट्स में मिलता है विटामिन सी तो है ही है इसमें टाट्रिक एसिड है इमली में होता है अंगूर में होता है ठीक है ना और जो कच्चे आम होते हैं जो होती है खट्टी खट्टी से उनके अंदर जो है ना टाट्रिक एसिड पाया जाता है तकरीबन आपका ठीक है चलिए जी आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला जो सवाल हमारा है वो क्या कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है ना हमारी वो करेक्ट रहने वाली है बिल्कुल पहला ऑप्शन है आपका द सॉल्यूशन विज डू नॉट चेंज द कलर ऑफ आर है बीच में ब्रेकर आता है सात के ऊपर तो जीरो से सात के बीच वाले क्या होते हैं आपके ये एसिड होते हैं और जीरो से लेके के बीच में होते हैं आपके क्या इनको आप स्ट्रॉन्ग एसिड के नाम से जानते हो अच्छा यहाँ पे आप लोग

इनमें क्या फर्क पड़ता है एसिड वाले में देखो अगर आप लोग ब्लू तो समझ जाइएगा वो, 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 तो वो क्या होगा आपका वो बेस हो याद रखना बी फॉर ब्लू बी फॉर बेस ऐसे करके याद कर लेना एसिड खतरा होता है खतरे का रंग लाल ही होता है एक्चुअली देखा जाए तो ठीक है तो दोनों एक दूसरे से जो ना कोरिलेट कर रहे हैं अपने आप में चलिए अच्छा और स्टेटमेंट भी है क्या आ, एक स्टेटमेंट और भी होगी कौन सी ये तो ठीक है सर ने पढ़ाई दिया सही है ये अच्छा उसके वाला इमली है लिटमस है चाइना रोज ये आपके सब कुछ है ना नेचुरली अक्रंक इंड हाँ ये सारे के सारे होते हैं आपके इनके क्या है आप जैसे हल्दी की इमली क्या सॉरी हल्दी की बात करता हूँ क्या हल्दी एक नेचुरल इंडिकेटर है बिल्कुल है अगर मैं बात करता हूँ हल्दी की उसको एसिड में डाल लो आप लोग तो एसिड के अंदर कोई चेंज नहीं दिखाती वो नो चेंज ठीक है ना एसिड में कोई चेंज नहीं होता है उसके अंदर लेकिन अगर मैं बात करता हूं बेस की बात करता हूं मैं तो जैसे ही हल्दी के ऊपर बेस पड़ता है तो कलर हो जाता है रेड और ये तो आपने खैर बहुत बार देखा ही है मेरे को बताने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी खाना खाते टाइम पे सब्जी थोड़ी बहुत गिर गई है कपड़ों पे तो आप जब धोते हो तो लाल रंग का धब्बा सा हो जाता है आपका ठीक है ना तो ये याद रख लीजिएगा टमाटर नहीं खाने चाहिए सर अच्छा टमाटर खाने से पथरी होती है हम्म मान लिया टमाटर खाने से पत्थरी होती है चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग ठीक है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है क्योंकि उस उसमें कैल्शियम ऑक्सिलेट होता है आपका इस करके ऐसा होता है ठीक है अगला क्वेश्चन आपका, देखो, केमिकल फर्टिलाइजर बहुत सारे जैसे यूरिया बहुत यूज करते हो डीएपी बहुत यूज करते हो तो अब आप सॉइल ट्रीटमेंट करना चाहते हो अपने जमीन को थोड़ा ठीक ठाक करना चाहते हो तो क्या होगा एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक द सॉइल एसिडिक क्या हो जाता है जब बहुत ज्यादा आप यूज करते हो एक्सेसिव यूज तो उससे क्या होगा आपकी मिट्टी है ना अमलीय हो जाएगी ऐसी मिट्टी में चाय बहुत अच्छी होती है फिर द सोइल इज एसिडिक ऑर्गेनिक मैटर इज एडेड टू इट नहीं नहीं ऐसे कोई जरूरत नहीं है ठीक है ना तो पहला ही आपका ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ठीक रहेगा स्टेटमेंट ए बिल्कुल ठीक रहेगी आपकी यहाँ पे इसलिए फिर लोग क्या गोबर की खाद डालते हैं तो ज्यादा उससे जाके ठीक होती है फिर ये रिगार्डिंग द एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रिलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट तौर पर जो हमारी आम जिंदगी चल रही है उस जिंदगी को देखते हुए अगर बात करते हैं हम लोग तो कौन से स्टेटमेंट आपको ठीक दिखाई दे रही होगी पहला है आपका क्या द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड हाँ ये बात ठीक है बहुत सारी आजकल की जो फैक्ट्री है ना उनका जो वेस्ट निकलता है वो एसिड ही निकलता है ठीक है ना तो इस करके आपको न्यूट्रलाइजेशन सब्सटेंस की बहुत जरूरत पड़ती है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड इन स्टमक आप लोगों को याद है कि जब हमारे पेट में एसिडिटी बहुत ज्यादा हो जाती है तो हम लोग इनो लेते हैं ठीक है ना इनो के अंदर क्या होता है इनो के अंदर होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है इनो काम करे छह सेकंड में ठीक है ना इनो पिया फिर डकार निकाली बर्फ मारा बस ठीक हो गया काम करे छह सेकंड में इफेक्ट ऑफ एसिड इंजेक्टेड इन टू द स्किन थ्रू एन आंट बाइट कैन बी न्यूट्रिलाइज बाय द रबिंग मोस्ट बेकिंग सोडा जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल से आपको चिंटी खागी मधुमक्खी खागी उसमें एसिड होता है फॉरबिक एसिड अब आपकी स्किन में बहुत ज्यादा दर्द होता है अगर आपके पास में उसी टाइम पे मीठा सोडा पड़ा तो उस पर मीठा सोडा रगड़ लो ठीक है ना मीठा सोडा जैसे रगड़ोगे उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा ठीक है ना और आपको दर्द होना एकदम से बंद हो जाएगा ठीक है ना जनरली लोग वहां पे ना पेस्ट लगाते हैं जो टूथपेस्ट करते हैं वो उससे भी दर्द में एहसास होता है क्योंकि उसमें थोड़ा सा आपका बेस वाले थोड़े गुण होते हैं इस करके तो कोई भी बेस वाला सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट वगैरह या कैलेमाइन सोल्यूशन वगैरह ऐसा लगा लेते हो ना आप लोग तो उससे थोड़ा सा इफेक्ट कम हो जाता है तो कभी किसी का टांटिया खा जाए मधुमक्खी खा जाए तो क्या करो उसी टाइम पे मीठा सोडा रगड़ लो मीठा सोडा नहीं पड़ा है तो फिर पेस्ट रगड़ लो दोनों में से ज्यादा इफेक्टिव आपको जो ठीक लगे वो ठीक है तो न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए तीनों ही मेथड बिल्कुल ठीक है कोई गड़बड़ नहीं है इनमें ठीक है अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल इज रिलेटेड टू फिजिकल चेंज ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है दो टाइप के चेंज होते हैं एक केमिकल चेंज होता है एक फिजिकल चेंज होता है ठीक है ना तो फिजिक आर रिलेटेड टू फिजिकल चेंज इनमें से आप लोगों को जो है ना करेक्ट आंसर जो है ना ढूंढना है टीरिंग ऑफ पेपर है चेंज इन कलर है कंबाइनिंग ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर है और बर्निंग ऑफ पेपर है ठीक है ना ठीक है मतलब देखा जाए तो टीरिंग ऑफ पेपर ही इसमें ज्यादा ठीक लग रहा है बाकी तो कुछ ज्यादा ठीक लग नहीं रहा है फिजिकल चेंज मतलब जैसे आप लोग वापिस उसको बना लो वैसा का वैसा कागज को फाड़ के जोड़ सकते हैं क्या टेप टूप लगा के जोड़ देंगे भी और तो क्या कर सकते हैं ठीक है ना अब बाकी तो कोई दिख नहीं रहा है यहाँ पे कागज को जलाने के बाद दोबारा तो वापस बनेगा नहीं बाकी सारे केमिकल के अंदर आगे एक ही है जो पहला है इस ऑप्शन में से तो देखा जाए बिल्कुल ठीक ही है आपका ये ठीक है ना Uh, अगला है आपका यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है ना वो बिल्कुल करेक्ट रहेगी या फिजिकल चेंज आर इिवर्सिबल वाइल केमिकल चेंज आर रिवर्सिबल उल्टा कह दिया ना इन्होंने ये तो करेक्ट कहाँ से हुई उल्टा कह दिया ठीक है ना ये तो गलत हो गया आपकी The following uh, many accompany a chemical change sound may be produced heat light or any other uh, radiation ultraviolet for example may be given absorbed बहुत सारे जो कंपनी है केमिकल चेंज के अंदर से साउंड में भी प्रोड्यूस साउंड चेंज मतलब निकलता है उसके अंदर केमिकल चेंज जब होता है तो हीट लाइट भी निकलती है रेडिएशन भी निकल सकती है हाँ ये सारे ठीक है केमिकल चेंज जो है ना एक बार बदल दिया तो दोबारा वैसा दोबारा थोड़ी ना होने वाला है वो इस करके आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ना इस सवाल का वो बिल्कुल ठीक रहने वाला है आपका यहाँ पे ठीक है अगला सवाल क्या आता है आपका ठीक है ना मेटल हीट वगैरह तो चलो ठीक है आपके एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट ए फिजिकल चेंज इनमें से कौन सा फिजिकल चेंज जो है ना आपका वो नहीं है नोट पूछा है इनमें से ठीक है ना कौन सा फिजिकल चेंज इसमें से जो है ना वो नहीं है ये बताइएगा आप लोग यहाँ